हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑल वेल्ड सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिलेट वेल्ड जैसे कि टी जॉइंट में पेनेट्रेशन यानी कि फ्यूजन किस तरह से मेजर किया जाता है, माइक्रो एग्जामिनेशन में फ्यूजन चेक करने के लिए जैसे कि लैक ऑफ फ्यूजन है, पेनेट्रेशन सही से हुआ है कि नहीं, इसलिए माइक्रो एग्जामिनेशन टेस्ट की जाती है फिलेट की यानी कि वेल्ड जॉइंट की। तो माइक्रो एग्जामिनेशन टेस्ट का रिजल्ट आज हम लोग ये वीडियो में शेयर करेंगे। जैसे कि ये वीडियो में हम लोग ने एक टी जॉइंट परफॉर्म किया है जिसमें 4 mm का 6013 इलेक्ट्रोड लिया है और फिलेट वेल्डिंग करके उसको कट करके माइक्रो एग्जामिनेशन के लिए भेजा था, उसके रिजल्ट आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप फिलेट वेल्ड करते हो या फिर टी जॉइंट आप बनाते हो तो दोनों प्लेट में इक्वल वेल्ड मेटल डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए इलेक्ट्रोड का एंगल 45 डिग्री में रखते हुए अगर आप वीविंग करोगे तो दोनों प्लेट पे इक्वल वेल्ड मेटल डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसकी वजह से आपको सही लेग लेंथ और पेनेट्रेशन प्रॉपर मिलेगा, दोनों प्लेट पे इक्वल आपको वेल्ड मेटल दिखेगा। इस तरह से शॉर्टकट हमने यहाँ पे एक फिलेट बनाया है जिसमें हम लोग ने 4 mm का 6013 इलेक्ट्रोड 10 mm की थिकनेस की प्लेट के ऊपर वेल्डिंग किया है। अभी आप यहाँ पे फिलेट जॉइंट की फिनिशिंग देख सकते हो। फर्स्ट इलेक्ट्रोड का जो रिस्टार्ट पॉइंट है वहाँ से 25 mm का एक पीस कट करके हम लोग माइक्रो एग्जामिनेशन टेस्ट और उसकी लेग लेंथ मेजर करने के लिए कट करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से उसमें फ्यूजन मिला है। ये हम लोग ने लैब में टेस्ट किया हुआ है जिसमें एक साइड में हायर इलेक्ट्रोड जैसे कि 4 mm और दूसरी बाजू में 2.5 का इलेक्ट्रोड हम लोग ने यहाँ पे पेनेट्रेशन चेक करने के लिए पीस बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों साइड में सही पेनेट्रेशन मिला है, फ्यूजन प्रॉपर है, लैक ऑफ फ्यूजन नहीं है सेंटर में। लेग लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों प्लेट पे इक्वल वेल्ड मेटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिलेट जॉइंट में जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो इलेक्ट्रोड का करंट सिलेक्शन यानी कि एम्पेयर सिलेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एम्पेयर अगर आपके कम होंगे तो कॉन्वेक्स बीड आएगी, फ्यूजन नहीं मिलेगा, लैक ऑफ फ्यूजन का इशू आ सकता है, फिलेट के सेंटर में स्लैग इंक्लूजन भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सही करंट जैसे कि हायर एम्पेयर लेके आपको वेल्डिंग करनी है ताकि सही से पेनेट्रेशन मिले। इलेक्ट्रोड का वीविंग सही होना चाहिए, इलेक्ट्रोड का एंगल 45 डिग्री रखते हुए आपको चलना है। इसी तरह से फिलेट टेस्ट आपकी पास हो जाएगी सही वेल्डिंग टेक्निक से। साथ साथ में हम लोग ने यहाँ पे हर एक पोजीशन में बेंड टेस्ट भी मारा है। तो बेंड टेस्ट के लिए हम लोग ने एक असेंबली परफॉर्म की थी जैसे कि ऑल वेल्ड असेंबली हम लोग ने यहाँ पे रूट बेंड और फेस बेंड के लिए बनाई थी। हम लोग ने उसका एक एग्जांपल के लिए 180 डिग्री में एक टेस्ट पीस बेंड किया हुआ है, उसका भी रिजल्ट अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि बेंड टेस्ट में जब भी आप असेंबली प्रिपेयर करते हो तो दो पीस उसमें से निकाले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइनिंग किया हुआ है, इसी तरह से दो पीस निकाल के उसको रूट बेंड यानी कि फ्रंट और बैक साइड से बेंड करके 180 डिग्री में देखा जाता है कि उसमें कहीं पे भी प्लेट में क्रैक नहीं होना चाहिए। ये बेंड टेस्ट की मशीन है जिसमें एक मैंड्रिल है 180 डिग्री का, जिससे ये पीस हम लोग ने बेंड किया है और उसमें आप देख सकते हो कि कहीं पे भी वेल्ड मेटल में क्रैक नहीं है, इस तरह से बेंड यहाँ पे पास हुआ है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने माइक्रो एग्जामिनेशन टेस्ट देखा, बेंड टेस्ट देखा। इसी तरह से वेल्डर को बीड फिनिशिंग या बीड अपेरेंस के साथ साथ मैकेनिकल टेस्ट, रेडियोग्राफी टेस्ट भी पास करना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ साथ में आपका स्किल भी अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। हर एक पोजीशन में वेल्डिंग के टेस्ट को भी पास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग की जो प्रोसीजर होती है उसको सही से पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। वेल्डिंग के दौरान जो भी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है जैसे कि स्लैग को अच्छी तरह से क्लीन करना, इंटरपास टेम्परेचर मेंटेन करना, इसके ऊपर आपकी वेल्ड मेटल की क्वालिटी और मैकेनिकल टेस्टिंग डिपेंड होता है।